नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पर और मैं हूं रोहित पटवाल आपके साथ। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज हो चुकी है। फिल्म को 300 करोड़ के बड़े बजट के साथ तैयार किया गया है। हालांकि अब तक की कमाई देखते हुए फिल्म घाटे में जाती हुई दिख रही है। 3,750 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने पहले दिन महज 10 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक फिल्म ने कुल 59 करोड़ का कलेक्शन ही किया है। इसे देखकर फिल्म का 100 करोड़ क्लब में पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। सम्राट पृथ्वीराज के अलावा भी इस साल कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो अपने बजट तक पहुंचने में भी फेल नजर आई। आइए जानते हैं कि इस साल की फ्लॉप फिल्में कौन कौन सी हैं। सबसे पहली फिल्म बधाई हो, जो 11 फरवरी को रिलीज हुई। इस फिल्म का बजट था 35 करोड़ रुपए और इस फिल्म की कमाई हुई सिर्फ 28 करोड़ रुपए। इसके बाद झंडू फिल्म, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म और अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का हिट मशीन कहा जाता है, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास चलती हुई नजर नहीं आई। ये फिल्म रिलीज हुई 4 मार्च को और इसको तैयार किया गया 22 करोड़ के बजट के साथ और कमाई इस फिल्म ने सिर्फ 15 करोड़ की थी। इसके बाद बात करते हैं बच्चन पांडे। इसमें अक्षय कुमार नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चल पाई। ये फिल्म रिलीज हुई 18 मार्च को और बड़े बजट के साथ 180 करोड़ के बड़े बजट के साथ इसको रिलीज किया गया, लेकिन इस फिल्म ने कमाई की सिर्फ 68 करोड़ रुपए। इसके बाद फिल्म आती है अटैक, जो फिल्म देखने में तो काफी अच्छी लग रही थी, लगा था चलेगी, लेकिन ये भी नहीं चल पाई। ये रिलीज हुई 1 अप्रैल को, जिसका बजट था 70 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने कमाई की सिर्फ 22 करोड़ रुपए। इसके बाद फिल्म आती है जर्सी, जो कि एक बायोपिक थी एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया और उसके बाद फिर आधी उम्र में क्रिकेट शुरू किया। ये फिल्म 22 अप्रैल को रिलीज हुई और ये फिल्म काफ़ी अच्छी भी साबित हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 40 करोड़ के बजट के साथ फिल्म को बनाया गया और फिल्म ने कमाई सिर्फ 27 करोड़ की। इसके बाद बात करते हैं हीरोपंती 2 के बारे में। हमारे टाइगर श्रॉफ, जिनको एक्शन किंग भी माना जाता है, ये फिल्म रिलीज हुई 29 अप्रैल को। इसका बजट था 70 करोड़ रुपए और कमाई इस फिल्म ने सिर्फ 35 करोड़ रुपए की। अनेक फिल्म की अगर बात करें तो अनेक फिल्म रिलीज हुई 27 मई को, जिसका बजट था 45 करोड़ रुपए और ये बहुत बुरी तरह पिटती हुई नजर आई। कलेक्शन इसने सिर्फ 11 करोड़ का किया। इसके बाद धाकड़ फिल्म बात करते हैं हमारी धाकड़ गर्ल की, कंगना रनौत। इनकी फिल्म रिलीज हुई 20 मई को, बजट 95 करोड़ और कमाई सिर्फ 3.5 करोड़। मतलब सोचिए कि 95 करोड़ कहाँ है और 3.5 करोड़ कहाँ है। तो बस आज की खबर में इतना ही, और खबरें लेके आपके सामने आते रहेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।